नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएम एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित टीएल बैठक कलेक्टर श्री उमा शंकर भार्गव द्वारा विभागों के समय सीमा वाले पत्रों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारियों को पत्रों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री भार्गव ने विभागवार सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा के दौरान शिकायतों के निराकरण की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सभी अधिकारी प्राथमिकता के साथ शिकायतों का संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री भार्गव ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान कृषि, स्कूल शिक्षा, राजस्व सहित अन्य विभागों में 300 दिवस से अधिक समयावधि की शिकायतें अधिक संख्या में लंबित होने पर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निराकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने फसल बीमा की शिकायतों के निराकरण के लिए किसान, बैंक और बीमा कंपनी से संपर्क कर त्वरित निराकरण कराने के निर्देश कृषि अधिकारी को दिए। इसी प्रकार खाद्य विभाग से संबंधित शिकायतों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री भार्गव ने जिला खाद्य अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकांश शिकायतें पात्रता पर्ची और राशन वितरण से संबंधित है, जिनका त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने सभी जिले अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 23 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जानी है। इसके पूर्व सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर श्री भार्गव ने समाधान ऑनलाइन में लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा करते हुए जिला अधिकारियों को सितंबर माह के पूर्व प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में अनुग्रह सहायता योजना की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन जिन विभागों में प्रकरण लंबित है वो 3 दिवस में कार्यवाही करते हुए पात्रतानुसार लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें।